हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट वर्सेस स्टेट टेट के बारे में। आप सभी को पता है कि आज सीटेट वर्सेस टेट की जो है सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या आज आया अंतिम फैसला, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन बिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आए शिक्षक भर्ती की वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, लंबी बहस चली बट पूरी बहस नहीं हो पाई है, तो इसकी जो एक डेट है फिर से जो है न्यू डेट दे दी गई है। इसकी जो अब पूर्ण रूप से जो सुनवाई है वो कल आपको देखने को मिल जाएगी, और उम्मीद है कि कल फाइनल फैसला भी आ जाए। ठीक है ना, उम्मीद है कि जो सीटेट है आपका स्टेट में जो है वैलिड रहेगा। ओके ना, तो अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप तैयारी में लगे रहो। सीटेट का जो फॉर्म है आपको जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, एंड लास्ट दिसंबर या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी कल आपको जो है फाइनल न्यूज़ आपको जो है देखने को मिल जाएगी कि सीटेट जो है स्टेट में अलाउ रहेगा या नहीं रहेगा, सारी जानकारी आपको कल मिल जाएगी। तो यही थी जो है अपडेट आज की। कल भी सुनवाई थी, आज भी सुनवाई यही है, तो कल फिर सुनवाई होगी। उम्मीद है कि कल जो है पूरी सुनवाई हो जाएगी। ओके, तो जो भी अपडेट आएगी अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। शिक्षक भर्ती की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आप बीएड होल्डर हो तो आप सीटेट की प्रिपरेशन में लगे रहो, क्योंकि आप पीआरटी में एलिजिबल नहीं हो। आप बीएड करोगे तो स्टेट में बहुत कम ही वैकेंसी आती है, तो आप सेंट्रल लेवल की वैकेंसी देखोगे, जैसे आपका जो है D++B हो गया, NVS हो गया, आपका जो है EMRS हो गया, तो बहुत सारी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती हैं, तो उसके लिए जो है आप एलिजिबल हो जाओगे। थैंक यू सो मच।